सवैया सी साइड पे हम आने लगे और ये जुमला आप पढ़े हैं, समझ रहे हो? तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो आ गए चौपाल पे नाजरी। कुछ पूछा माँ है नवेद भाई, इंसान है लेकिन अभी इनका बकचोदी का कोई मूड नहीं है जी। ये देखें भाई जान, ये आ गए हैं सीवीओ पे, तो अब है चाय का सीन और ये रोशनीकर कोटी वाले स्टाइल में बैठा है। तो पीछे से खातून ने सुन लिया। खातून क्या कह रही थी भाई, बताएं जरा। भाई चाय उठा लें, चाय गिर जाएगी। चाय साथ ही हमें एक स्टॉल नज़र आया, उसमें मज़े मज़े की चीज़ें हमने देखी। ये देखें, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये हैं चूड़ियाँ और ब्रेसलेट वगैरह, ख़वातीन के आइटम हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए। ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अंगूठियाँ हैं और टॉप्स वगैरह। और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये सेल आउट कर रहे थे, देख सकते हैं आप। और ये आगे चलते हैं, ये गिफ्ट सेट वगैरह आ गए और ये चीज़ें होती हैं, अल्लाह के नाम हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा डिज़ाइन किया हुआ है। आगे चलते हैं इसी के साथ। ये देखें, ये इन्होंने बास पकड़ रखा है, लेकिन ये बास नहीं है, ये छील है। बेचारी गरीब शील को कैद कर रखा हुआ है और इसे टिकटॉक दिखा रहे हैं। शील भी बड़े मज़े से टिकटॉक देख रही है और कर भी क्या सकती है वो। चलें और आगे चलते हैं। ये अकेला बैठे नहीं, आप लोग इधर बैठो। नहीं, हमारी तो बैठे भाई, डर लगता नहीं? डरो यार, ट्रेन घोड़े जैसे भाई बैठ रहे, इसी तरह तुम भी बैठ जाओगे, आराम आराम से चले। डर लगता भाई, साथ जाएंगे यार, भाई लोगों ने भी चलाया माशाल्लाह, वो देखो। नहीं वो तो सही, माशाल्लाह बहुत प्यारा घोड़ा है आपका, लेकिन ये कि बार्गेनिंग चल रही, वो कह रहा 100, वो कह रहा 150, वो कह रहा अच्छा चल फ्री में बैठ। एक गाड़ी में फ्री में भी नहीं मान रहे बैठने वाले नवेद भाई हमारे घोड़े पे। किक मार किक मार, चलो शाबाश, स्टार्ट करो से। इसको कहीं दूर छोड़कर आ जा भाई। वो आ रहा भाई सामने से, पराठा ये किसी के ख्वाबों का बावला शहजादा, ये आ गया घोड़े पे गधा सवार। दोबारा बार्गेनिंग चल रही है नाजरीन, वो कह रहा है 150, वो कह रहा है 100, वो कह रहा है फ्री में कराऊंगा। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल। तो भैया ये शख्स था जो घोड़े पे बैठा था, घोड़े पे बैठ के गधे ने सवारी करी। तो नवेद भाई की सॉरी अच्छा काट दूंगा ना यार, इधर अच्छे तरह काट यहाँ पे खड़ा। तो नवेद भाई कहानी, नवेद भाई की जवानी सुनेंगे नाजरीन। तो जी बताइए, कैसा लगा आपको घोड़े? पहले तो मैं बैठा तो मुझे ऐसा लगा भाई जान कि कहीं ये भगा ना जाए, भगा ना जाए। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो। हाँ वही वाली बात, एहसास हुआ कि ये मेरे बगैर नहीं भागेगा। मैं कहीं सुन रखा था कि अपने दिल की धड़कन कंट्रोल कर लो अगर घोड़े पे बैठो। ठीक है, मैंने वो करा पहले, कंट्रोल करी, मेरे को वैसी काबू हो गया, फिर घोड़े को भी काबू कर ही लिया। सही है, लेकिन ये लोग ठग है, इनकी बात भी माननी चाहिए। उससे 200 रुपए में मेरी बात हुई थी। ठीक है, 200, लेकिन 300 रुपए लेके माना बाद में। कितना? 300, 300 रुपए लेके माना। 300 नहीं, 3000। उसने दूसरा ऑप्शन भी रखा था आपके सामने, लेकिन आप नहीं माने, दोबारा भी चले जाओ, फिर आप नहीं माने, फिर कह रहा था आप दोबारा भी चले जाओ। हाँ बड़ा हरामी हो बेटा, लेकिन उसके साथ घोड़ा नहीं होता फिर, खतरनाक। अच्छा तो फिर वो समझ सकते हैं ना। जी जी चलो छोड़ो बस। तो फिर उसने 300 रुपए लिए 3 मिनट के। 300 रुपए 3 मिनट। चले जी, बहुत शुक्रिया। ऐसे बोल रहा था, नहीं एक चक्कर और लगा लो सर, एक चक्कर और लगा लो, फ्री का है, फ्री का। लेकिन हर चक्कर के वो पैसे, हर चक्कर के वो हर पर मिनट 100 रुपीज चार्ज कर रहा था वो आपसे। चले आपसे भी पूछा, आप पूछो पैसे दे के भी। सही है, हमसे लिए फिर हमसे पूछा, आप पूछो पैसे दे के, कह रहा पूछो वही क्या करे। मजा आया। तो नाजरीन ये था हमारे नवेद भाई का इंटरव्यू था, घोड़े की सवारी। अब इनको नेक्स्ट ट्रिप पे हम घोड़े पे नहीं बिठाएंगे,
टांग अड़ाएंगे समझ रहे हो।